हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ाया वो समझ में आया? ठीक, तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते ताकि रिकैप हो जाए। जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख ले उसको, ठीक। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। फिर आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर मैट्रिसेस, हमारे सेकेंड चैप्टर की सेकेंड यूनिट, ठीक। मैट्रिसेस एक हो तो मैट्रिक्स और उससे ज्यादा हो तो मैट्रिसेस। अब भाई एक मैट्रिक्स होगा तो उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई करना है तो एक और चाहिए, प्लस करना है तो एक और चाहिए। तो एक मैट्रिक्स, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है, मैट्रिसेस, क्योंकि एक से कुछ होना ही नहीं है, तभी एक दो का काम होगा, तब मैट्रिसेस चैप्टर, ठीक। अब सबसे पहले हमने क्या शुरू सीखा कि जो मैट्रिसेस होता है उसको अगर डिनोट करना है वो एक अल्फाबेट कैपिटल ही होगा, ठीक। स्मॉल से डिनोट नहीं करेंगे। और जो एलिमेंट्स होंगे वो या तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे या फिर वो एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स ये, और सिंपल ब्रैकेट मीन्स ये, और हमेशा एक कैपिटल लेटर में, ठीक। ये चीज, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको, और वो हमेशा जो मैट्रिक्स होगा वो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होगा, ठीक। इसके अलावा कोई शेप नहीं, सिर्फ दो शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगल। स्क्वायर में जितने एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर फॉर्म में ही होंगे, और उनका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे कि 2 × 2, 3 × 3, क्यों? क्योंकि जितने रो है, रो में एलिमेंट है, उतने ही कॉलम में होंगे। अब रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है? एक मैट्रिक्स में रो होती है वो, मतलब कॉलम होता है वो जो हम लोग स्कूल में बनाते थे। जब मैम कहती थी फॉर्म आर रो, छोटे से बड़े में खड़े हो जाओ, तब हम लोग क्या करते थे, सीधी लाइन बना लेते थे। वो कॉलम होता था, वो रो नहीं होती थी। तो हमने क्या सीखा, हमने जो स्कूल में बनाया था वो क्या था, एक कॉलम बनाते थे हम, वो रो नहीं थी। तो उससे हम मैट्रिक्स में सीखा कि जब हम वो कॉलम था तो कॉलम कैसे बना, ये चीज, और रो कैसे बनी, इसकी अपोजिट। तो रो वो है जो लेटी हुई है, ठीक, और कॉलम वो है जो हमने स्कूल में बनाया था। और ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का वो होता है रो इंटू कॉलम। पर ये ध्यान रखना, कभी भी कॉलम इंटू रो नहीं होगा, हमेशा। ये ऐसी फिक्स चीजें हैं जो बदल जाएंगी मैट्रिक्स को, चैप्टर ही गलत हो जाएगा। क्या? हमेशा रो इंटू कॉलम, क्योंकि इसी से हम बताएंगे मैट्रिक्स बनेगी कैसे, ठीक। अब उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था, ऑर्डर पता चल गया। अब हमने कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, कैसे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, ठीक। जैसे कि ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक, पर रो हमेशा एक, तभी वो रो मैट्रिक्स है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, एलिमेंट्स कितने भी हो, चाहे सिंगल एलिमेंट हो, ये चीज। ये एक रो और मैट्रिक्स भी है और एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है कि ये सिंगल रो है कि सिंगल कॉलम है, ठीक। रो मैट्रिक्स में एक रो सिंगल, और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम, समझ में आया? उसके आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि रेक्टेंगुलर नंबर होते हैं, मैट्रिक्स होता है, रो इनटू कॉलम होता है, ऑर्डर होता है, हाँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो एक सिंगल में जीरो हो, चाहे वो तीन जीरो हो, चाहे वो ऐसे करके जीरो हो, बस सारे एलिमेंट जीरो, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, अगर वो कहे फॉर्म आर 2 × 3 जीरो मैट्रिक्स, तो मतलब दो रो और तीन कॉलम पर सारे जीरो, समझ गए? वो ऐसे ही लिख के देगा, सिर्फ ऑर्डर देगा, और वो किस टाइप का बनाना है वो देगा, वो तुम्हें बनाना आना पड़ेगा। अगर वो कहेगा फॉर्म आर रो मैट्रिक्स विथ 3 एलिमेंट, समझ में आ गया कि एक रो है पर 3 एलिमेंट है, वो भी जीरो, समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो
जब मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनती है तो दो ही मैट्रिक्स हुई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सिर्फ साइज पे है। ठीक, स्क्वायर होगा तो साइज है ये सिर्फ, ठीक, रेक्टेंगल क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक, स्क्वायर का एक रूल है कि उसमें जो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम का वो सेम होता है। ठीक, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 कितना भी हो सकता है पर सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, नाउ स्क्वायर में जो डायगोनल होता है दो होते हैं बराबर, पर मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है लेफ्ट टू राइट। जैसे कि ये बनाया अगर हमने एक मैट्रिक्स तो इसमें सिर्फ यही एक डायगोनल लोगे, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म आर डायगोनल मैट्रिक्स, उसमें सिर्फ यही एक डायगोनल लिया जाएगा, दूसरे डायगोनल हमें कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अलजेब्रा में था, ये सिंगल तुम पढ़ोगे एक ही डायगोनल होगा मैट्रिक्स में। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा है इसमें स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स का रूल होता है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी अगर वो कहे वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे इसके और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ये ध्यान रखना। अगर वो कहे फॉर्म और डायगोनल मैट्रिक्स तो 1, 2, 3, 4 और जितने एलिमेंट्स हैं सब जीरो, समझ गए, समझ में आया। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल्स में एलिमेंट्स होते हैं बाकी सब जीरो। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में अगर वो कहे स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स तो सिर्फ डायगोनल में, स्केलर का मतलब होता है सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा, समझ गए। स्केलर मैट्रिक्स कहे तो एक ही एलिमेंट पूरी मैट्रिक्स में, अगर वो कहे स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स डायगोनल में सेम एलिमेंट और बाकी सब जीरो, समझ गए, स्केलर का मतलब है सेम एलिमेंट। ठीक, नाउ नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स में ये रूल होता है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट वन होंगे, अगर वो कहे यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स तो डायगोनल में सारे एलिमेंट वन होंगे, क्योंकि पहले डायगोनल फिर यूनिट, कौन सा एलिमेंट है यूनिट और पर मैट्रिक्स कैसी बनानी है डायगोनल। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ले जाते हैं, नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था व्हाट इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होती है वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बने बाकी सब नीचे एलिमेंट जीरो, और इजी पढ़ना है अपर ट्रायंगल वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो नीचे सब जीरो, इतना ध्यान रखना अपर ट्रायंगल ऊपर एलिमेंट्स नीचे जीरो, किससे डायगोनल के ऊपर, ये ध्यान रखना बस। और डायगोनल हमें क्या लेना है लेफ्ट टू राइट वाला, एक ही डायगोनल। नीचे लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स हो बाकी सब जीरो। ठीक, सब मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके कुछ एलिमेंट्स या कोई एक रो या कोई एक कॉलम हटा के जब कोई मैट्रिक्स बनाई जाए तो उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे कि सब टॉपिक, एक टॉपिक के अंदर टॉपिक, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी वो उसके अंदर ही होगी। ठीक, देखो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, इसमें एग्जांपल दिया गया है कि एक, देखो इसमें एक रो और एक कॉलम हटा के ये देखो बचे हुए एलिमेंट्स लिख दिए, पर बचे हुए एलिमेंट्स उसी जगह पे लिखे जाएंगे जहाँ पे वो लिखे, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती, सिर्फ कुछ चीज़ें डिलीट करी गई हैं। ठीक, उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी, अब जब इक्वल है तो सब इक्वल है, उसका ऑर्डर इक्वल है, उसके एलिमेंट्स इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अगर वो कहे इक्वल मैट्रिक्स है पर उसका ऑर्डर अलग है तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। नॉर्मल सी बात, अगर हम कहें दोनों बराबर है तो एक छोटा एक बड़ा नहीं हो सकता, बराबर मतलब एज बराबर, हाइट बराबर, सेम ट्विन्स कौन होते, शक्ल बराबर, तो वो एज सब कुछ बराबर है ना, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स, ध्यान रखना। ठीक, अब हमारा कुछ एक दो टाइप और रह गए मैट्रिक्स के, वो और देख लेते हैं, जिसमें आता है एक आता है इसमें, हाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसकी मैट्रिक्स डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो ये है ठीक, और ये रहे डायगोनल मैट्रिक्स, यही तो बनेंगे,
तो इसके जो एलिमेंट, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये रूल होता है कि डायगोनल से छोड़ के जितने एलिमेंट्स होंगे वो होंगे सेम, जैसे कि आमने सामने सेम होंगे, ये चीज। जैसे कि अगर मान लो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि मानो हमने बनाया 1 2 3, तो यहाँ जो होंगे, अगर ये कहेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसमें जो, हाँ ठीक, इसमें अगर मान लो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 4 होगा, ठीक। यहाँ अगर 5 है, तो यहाँ क्या होगा, 5। यहाँ अगर 7 है, तो यहाँ क्या होगा, 7। ये देखो, समझ में आया, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर याद करो, तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा सिमेट्री, वो चीज, वो लाइन जो एक डायग्राम को प्रॉपर काट दे बराबर, वो होता है सिमिलर या सिमेट्री लाइन, ठीक। यहाँ सिमेट्री का मतलब क्या है, यहाँ जो ये डायगोनल है वो एक सिमेट्री का काम कर रहा है, क्योंकि नीचे देखो 4 5 7, ऊपर क्या है 4 5 7, समझ गए, दोनों चीजें बराबर। अगर वो कहे स्यू मैट्रिक्स, देखो देखो यहाँ दो टाइप की मैट्रिक्स है, क्या ये हुई सिमेट्रिक। अगर वो कहे स्यू सिमेट्रिक, तो सेम चीज बस थोड़ा सा चेंज, क्या कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 0। पहले ध्यान रखो, डायगोनल एलिमेंट होते हैं 0, बचे हुए एलिमेंट के साइन होते हैं अपोजिट। ये नहीं लिखा है कौन सा नीचे की ऊपर, वो दोनों जगह ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ -4, समझ गए। यहाँ अगर 5 है, तो -5, यहाँ अगर 6 है, तो -6, समझ में आया। तो हमने क्या सीखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है उसको छोड़ के जितने होते हैं एलिमेंट्स वो इक्वल होते हैं, समझ गए। पर स्यू सिमेट्रिक में जितने एलिमेंट डायगोनल पे होते हैं वो होते हैं 0, और बाकी एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं अपोजिट साइन के, माइनस प्लस, ये रूल है। पर इसमें ये कहीं रूल नहीं मेंशन है कि माइनस वाले नीचे रहेंगे या प्लस वाले ऊपर रहेंगे, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें सिर्फ लिखेगा अपोजिट साइन, ठीक। अब हमारा आता है इसके बाद टॉपिक डिटर्मिनेंट, छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा। देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट सिंपल कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट अगर पहचानना है कि ये डिटर्मिनेंट है, वो नॉर्मली ऐसे साइन लगाता है, समझ में आया। अगर वो कहे ये एक मैट्रिक्स है, नहीं ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि ये जो सिंबल लगा है ये बता रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया गया। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे होता है, मान लो अगर ये दिया गया है 2 a 5 6, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, समझ गए, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो, इतने में ही एक्सरसाइज हो जाएगी आगे की, ठीक, क्योंकि सीए फाउंडेशन इससे ज्यादा लेवल नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में इससे ज्यादा मिलेगा, ठीक। इसमें तुम्हें इतना पढ़ना है, अगर वो कहे ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो पहले एलिमेंट सारे प्रॉपर लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। अब इसके दो टाइप हैं डिटर्मिनेंट में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके दो टाइप हैं, क्या दो टाइप हैं, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अगर वो कहेगा इसमें डिफरेंस बताओ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है, सिर्फ एक नंबर का पूछेगा वो, सिर्फ एक मार्क्स का, वो भी थ्योरी में, कि सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और नॉट, उसमें ऑप्शन अलग अलग तरीके से देगा, बड़ा है 1 से, बड़ा है छोटा है 1 से, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो हमें क्या याद करना है कि सिंगुलर में जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होगा, सिर्फ एक मार्क्स का। दूसरा है नॉन सिंगुलर, जिसमें डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, खत्म डिटर्मिनेंट का। हमने क्या पढ़ा,
अगर एक सिंपल मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो पहले सिंबल क्या होगा, दो लाइन अगल बगल जो होती है मॉड, अगर तुम लोगों ने पहले पढ़ा हो। ठीक, नेक्स्ट उसको फाइंड कैसे करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक इसके आगे एक और है। हाँ, अब हमारा टॉपिक चालू होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स जो नीचे है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन अब सॉल्व होंगे। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब वो कहेगा कि मैट्रिक्स बनाओ तब ये सब कॉन्सेप्ट हमारा आएगा कि इतने एलिमेंट है, एक डायगोनल फॉर्म करो, एक जीरो फॉर्म करो, एक नल फॉर्म करो, तब हम ये करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे एक फॉर्म होने के बाद, वो हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले ध्यान रखना ऑर्डर। ठीक, देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ ही चुके हैं जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, नॉर्मली एड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड भी आता है शायद। ठीक, अब इसमें लिखा है अलजेब्रा में एड ट्रांसपोज क्या होता है। देखो ट्रांसपोज में 2, 1, 3, 4, 5, ठीक ट्रांसपोज बाद में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, लिखा है सिंपली ए प्लस बी। देखो अगर मान लो ये दिया गया 5, 3, 4, 9, ये दिया गया, ये है ए, ये है बी, 6, 3, 4। ठीक, कह रहा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सिंपली एड कर दो, कुछ नहीं चेक करना। ठीक, बस ध्यान रखना ऑर्डर सेम है तभी ऐड करोगे, अगर एक एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो एलिमेंट खाली नहीं हो जाएगा यहाँ पर, जब कुछ है नहीं, समझ गए। सिंपली पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, आपस में मत ऐड कर देना भैया, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। कैसे ऐड करोगे वो देख लो, जो अब नई वो बनेगी, मान लो उसको सी मान लिया जो कि होगी ए प्लस बी, कैसे 5 प्लस 6, 3 प्लस 3, 4 प्लस 4 और 9 प्लस 9, ऐसे लिखोगे। अब करो 11, 9, 6, 8, 18, समझ गए। सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके, सबसे डिफिकल्ट होता है इसमें मल्टीप्लाई। ठीक, उसको ही सीखना है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, लिखा है, हाँ देखो जब दो चीजों का ऑर्डर सेम होगा तो जो आएगा तीसरा वो भी तो सेम ही ऑर्डर का आएगा। अगर हम यहाँ पे 1 है 2 है, यहाँ पे 3 है यहाँ 4 है, अगर इनको ऐड करेंगे तो 4 और 6, तो ये भी ऑर्डर सेम ही तो है। इसमें ऑर्डर इसका क्या आया, पहले रो, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 2, रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी ये हुई कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जितनी मैट्रिक्स के ऑर्डर होगा उसका जो आंसर रिजल्टेंट आएगा उसका भी वही ऑर्डर होगा, समझ गए। लिखा है वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर वी कैन से दैट आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, मतलब हम सभी आराम से जोड़ पाएंगे, बाकी बचे हुए करेंगे क्या। इसलिए लिखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब जो पहले हम लोगों ने दो ऐड करी है और जो आएगी उसका ऑर्डर सेम होगा। लिखा है प्रॉपर्टी इफ ए बी सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। देखो एडिशन में कोई डिफिकल्टी नहीं प्रॉपर्टी, देखो अगर हम 1 प्लस 2 करेंगे तो ये भी 3 होगा, और अगर 3 2 प्लस 1 करेंगे तो ये क्या होगा,
फ्री होगा तो हमारी पहली प्रॉपर्टी देखो सही हो गई कि अगर ए से बी को जोड़ दे चाहे बी से ए को जोड़ दे आंसर क्या आना है वही तो इक्वल होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्युनिटेटिव लॉ। सिंपल, ये यहाँ पे नहीं, ये हर जगह आता है कि अगर एक को दूसरे जोड़े चाहे दूसरे को पहले से जोड़े दोनों का आंसर सेम आते हैं। ठीक, सिर्फ एडिशन में ऐसा होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन आ जाता है क्योंकि। ठीक, तो कम्युनिटेटिव लॉ कहता है कि चाहे एक मैट्रिक्स को दूसरे जोड़ो चाहे दूसरे मैट्रिक्स को पहले जोड़ो दोनों के आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव का होता है दो चीजों को जोड़ना। अगर ए प्लस बी में हम सी ऐड कर दें चाहे बी प्लस सी में ए ऐड कर दें दोनों के आंसर सेम आएंगे। जैसे कि 2 + 1 + 3 और चाहे 2 + 1 + 3 आंसर सेम है। 6 आया आ गया। चाहे तरीके अलग है ऐड करने का पर आंसर हमारा सेम है। तो हमारे एडिशन में एसोसिएटिव लॉ भी कंफर्म प्रूव हो रहा है कि दोनों चीजें सही है, कम्युनिटेटिव एसोसिएटिव। ठीक, नेक्स्ट, अगर हम एडिशन के बाद कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो और चाहे कांस्टेंट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें आंसर सेम आएगा। जैसे कि मान लो हमने मान लिया 1 और 2, ठीक, और प्लस 3 और 4, ठीक, इसका आंसर क्या आया 4 और 6 आया। 4 और 6 आया। अगर वो कहे 2 का मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक, तो आंसर क्या आया 2, 4, 6, 8 आया। ऐड कर दो और ये करो 4 2 = 8, 12 ऐड कर दो, 8, 12 हो गई हमारी आईडी प्रूफ। जो प्रॉपर्टी दी थी कि चाहे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अलग अलग करके ऐड कर दो और चाहे ऐड करने के बाद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो आंसर सेम आना है। तो हमारी तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई एडिशन वाली। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया सिंपल। देखो कैसे लिखा है कि एग्जाम्पल 1 दिया गया है, ऐड करके ये आया, ऐड करके ये -2, 5, 6 स्केलर एग्जाम्पल देखा। मल्टीप्लिकेशन देखो, यही सबसे जरूरी चीज है, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स देखो। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 इसका मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई ही सीखना है मिली मैट्रिक्स। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, एल फॉर्म करो, कैसे, ऐसे ऐसे, ये दो एल बनेंगे इसमें, कैसे सॉल्व होगा देखो। मल्टीप्लाई करते टाइम ये एल पहले ऐसे बने, कैसे, 1 × 1 + 2 × 3 समझ गए। नेक्स्ट 1 × 2 + 2 × 4 नेक्स्ट, अब ये एल ऐसे बनाओ, कैसे, 3 × 1 + 4 × 3 3 × 2 + 4 × 4 ऐसे होता मल्टीप्लाई। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करते टाइम दोनों एल बनाने, चाहे ऊपर से बनाओ चाहे नीचे से बनाओ। ठीक, अब कुछ रूल्स होते हैं, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्यों होंगी, इसके रूल हैं। देखो क्या है रूल, पहली चीज आप इसको सॉल्व कर लो, 1 + 6 2 + 8 3 + 12 और 6 + 8 एक काम करना 16 एक काम करना प्लीज। भैया पता है बहुत अच्छी मैथ है सबकी, लिखने के बाद ही ऐड करना, ठीक है, शुरुआत में, बाद में जब बहुत तेज हो जाए ना तब मत करना। लेकिन भैया मल्टीप्लाई आधे से ज्यादा लोग गलत कर देते हैं, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत छोटा आता है,
सब दिमाग में ही करके ऐड कर देते हैं, इसलिए कह रहे हैं सिंपली इसको ऐसे लिख लेना ताकि गलती ना हो, मेहनत भी करो और खराब भी हो जाए मेहनत, इसलिए लिख लेना एक बार। लिख के फिर एडिशन का साइन लगा के तब नीचे ऐड करना। ये कर सकते हो कि 3 2 6 और 1, ये कर सकते हो, पर भैया पहले लिख जरूर लेना ना, गलत कराओगे। ठीक, मल्टीप्लाई ही डिफरेंट, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है। हमने क्या सीखा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखो। हाँ, पहली चीज, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। देखो, मान लो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, इसका m इंटू n है, इसका p इंटू q है। ठीक, हाँ देखो, ये ध्यान रखो, सबसे पहले अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो सबसे पहले ये चेक करने पड़ेगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं। उसके लिए ये और ये बराबर होना चाहिए हमेशा, ऑर्डर। कैसे, अगर ये 2 इंटू 3 है तो ये 2 इंटू 3, मान लो ये 4 है, पर ये और ये बराबर होना चाहिए हमेशा, ये रूल है इसका। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो उनके पीछे के ऑर्डर सेम होंगे। भैया मल्टीप्लाई करेंगे उससे एलिमेंट होंगे तब ना, जब एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसलिए ये ध्यान रखना। अब इसमें लिखा होगा, एक क्वेश्चन भी दिया गया, देखना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हमने क्या पढ़ा, देखो पहले लॉ पढ़ दो, ए इंटू बी और बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स में हम पहले मल्टीप्लाई भी करते हैं बाद में प्लस भी करते हैं, इसलिए दो लॉ होते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ऊपर जो लिया है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे ना, देखो करके भी दिखा देते हैं। देखो, अगर हम इसको ले लें, एक मिनट, इसमें तो एलिमेंट सेम है इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो हम ले लेते हैं 1 2 3 2, और यहाँ पे हमने ले लिया 4 3 1 6। ठीक, देखो ए और बी का मल्टीप्लाई ऐसे बनेगा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ पे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, नेक्स्ट 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू, फोर टू ट्वेल्व टू थ्री ट्वेल्व और नाइन ट्वेल्व एट फिफ्टीन फोर्टीन ट्वेंटी वन। आया, अब देखो बी इंटू ए, 4 3 1 6 1 2 3 2, 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, 4 9 1 18 8 6 2 12 13 19 14 14, क्या सेम आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते। ठीक, जबकि हमने पहले क्या पढ़ा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक होता है, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में था ना, वो सब्ट्रैक्शन में प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक, सिर्फ एक नंबर का पूछेगा कि मल्टीप्लिकेशन में ये वाली प्रॉपर्टी होती, यहाँ पे इक्वल के भी साइन दे दिए जाएंगे तुम्हें।
अब बताओ, तो क्या ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ए बी इंटू सी और ए बी और सी वर बोथ साइड्स आर डिफाइंड। एसोसिएटिव लॉ इसलिए प्रूफ होता है, ध्यान से देखो, ए बी लिखा है और यहाँ बी सी लिखा है, ठीक। अगर यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी और बी ए नहीं लिखा है, अगर ये लिखा होता तो ये एसोसिएटिव लॉ भी नहीं था और ये प्रूफ भी नहीं हो पाता। यहाँ पे इसलिए प्रूफ हो रहा है क्योंकि ए बी एक अलग मैट्रिक्स बनाएगा, जब सी से करेगा ना तो एक ही चीज आएगी, और जब यहाँ ए अलग करके बी सी से कर लेगा इसलिए आ रही प्रॉपर्टी। ये मतलब हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ है, पर फर्स्ट वाली नहीं है, ठीक। नेक्स्ट दिखाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि ए को बी से और ए को सी से, और चाहे ए बी प्लस ए सी, ये दोनों ही प्रूफ होंगे। और नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हमने बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो पहली प्रॉपर्टी है कम्युनिटेटिव, वो मल्टीप्लीकेशन में प्रूफ नहीं हो रही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, पहले बोल देते हैं प्रॉपर्टी दिखाई। इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन जनरल बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो बी सी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी बराबर है, और जब बी और सी भी बराबर हो जाएंगे तो बचेगा क्या, वो तो मैट्रिक्स सेम हो गई ना। इसलिए बी इज नॉट इक्वल टू सी जब ए बी इज इक्वल टू ए सी होंगे, ठीक। लिखा है इफ ए एम एन मैट्रिक्स एंड ओ एम एन मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स देन ए इंटू ओ और ओ इंटू ओ इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो ओ लिखा है ये जीरो मैट्रिक्स का डोनेशन है, कि जीरो मैट्रिक्स को जब डिनोट करोगे तो वो ओ से करोगे, ठीक, कैपिटल ओ स्मॉल लाइन, ठीक। अगर हम मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो ही आएगा, तो पूरी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई मैट्रिक्स हो और अगर वो एक नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है तो पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए आई और आई ए इज इक्वल टू ए। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इसका मल्टीप्लाई 1 1 1 1 से कर दो तो फायदा क्या, आना तो यही पे है, आएगा तो यही पे ना। अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है और इसका मल्टीप्लाई 0 0 से कर दें तब 0 आएगा और इससे यही मैट्रिक्स आ जाएगी पूरी। तो हमने क्या देखा कि अगर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स से करेंगे तो आंसर जीरो, और वही एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वन से करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता है वन, मतलब सारे एलिमेंट्स वन अगर होंगे, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई भी होता है जो कि आखिरी में होता वन ही है, ठीक। इसलिए तो हमारी वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे पहले। हाँ देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है सिंपली मैट्रिक्स को चेंज कर देना। लिखा है द मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इसमें कॉलम्स को रोज और रोज को कॉलम्स बना दिया जाता है, इस कॉट ट्रांसपोज। लिखने का तरीका ए के ऊपर टी या फिर ए के ऊपर डॉट, इससे पता चलेगा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमको डिटरमिनेंट कैसे पता चल रहा था, और ये अगर बना होगा तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। कई जगह पे देगा कि ए डॉट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड द रियल मैट्रिक्स। तो ये तो तुम्हें पता चल गया ये मैट्रिक्स ऐसी है, तो ये ट्रांसपोज बनी। अब बनती कैसे, यहाँ रो क्या है ये है और कॉलम क्या है ये, तो हम इस रो को बना दे रहे हैं कॉलम, हो गया 1 2 3 4, ये रो है ये देखो कॉलम बन गई, ये रो है ये क्या बन गई कॉलम। तो हमने क्या सीखा कि ट्रांसपोज में सिंपली जो होता है रो वो हो जाता है कॉलम, जो होता है कॉलम वो हो जाता है रो, पर ध्यान रखना ऑर्डर सेम होगा,
तभी बन पाएगी। ठीक, नॉर्मल सी बात है, जब बदल वही रहे हो तो ऑर्डर तो सेम आना ही है। जब हमने ये चार थे तो चार ही तो रह गए यहाँ पे, वही तो बदल रहे हो ना, तो कुछ नया तो बन नहीं रहा, तो वही जब चेंज कर रहा तो ऑर्डर हमारा सेम ही रहेगा। टू इंटू टू यहाँ पे भी था, टू इंटू टू यहाँ पे, जिसमें ये रो है और ये कॉलम है। ठीक ना, प्रॉपर्टीज लिखी है कुछ ट्रांसपोज की, क्या लिखी है देखो, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, 1 2 6 लिखा है, ये क्या है कॉलम, यहाँ देखो रो बन गया 1 2 6, ये क्या है 308, यहाँ क्या बन गया 308, ये क्या है 7 3 2 1, 7 3 2, क्या समझ गए, पूरा इन्होंने उठा के ऐसे कर दिया, समझ गए, जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो। ना द मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स को मान लो हमने ट्रांसपोज किया, चेंज करके मान लो बने हम बी, अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर यही तो आ जाएगा कि नहीं, सोच के देखो, अगर ये है, अगर हम इसको फिर से चेंज करेंगे तो फिर लौट के यही तो आ जाएगा। ये लिखा है, ये प्रॉपर्टी में लिख दिया कि अगर एक ट्रांसपोज के बाद दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स लौट के आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, द ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करें, चाहे उन दोनों को अकेले ट्रांसपोज करके ऐड करो, आंसर सेम आएगा, समझ गए, नॉर्मल सी बात है, उसको चाहे जोड़ के उल्टा कर दो, अच्छा उल्टा करने के बाद जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट, द ट्रांसपोज ऑफ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट नंबर इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट नंबर बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सेम, अगर कॉन्स्टेंट को ट्रांसपोज करने से पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो, और चाहे कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसफर करो, दोनों सेम है। अगर हम मान लो ये लिया 1 2 3 4, इसमें हमने मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर क्या है 2 4 6 8 आया, इसको ट्रांसपोज कर दिया 2 6 4 8 आया, आया सिंपली। और अगर इसको ट्रांसपोज कर देते 1 3 2 4, ये हुआ, अब मल्टीप्लाई कर लो 2 6 4 8 आ गया भाई। तो हमने क्या सीख लिया कि चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर लो, चाहे ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, दोनों आंसर सेम। ठीक, नेक्स्ट, द ट्रांसपोज ऑफ अ टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर। अगर दो मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर लो, चाहे ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आना। तो हमने क्या सीखा, ट्रांसपोज में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब इक्वल, चाहे वो कम्युनिकेटिव हो, चाहे एसोसिएटिव हो, सारी प्रॉपर्टी सेम। ठीक, नेक्स्ट, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था, जिसके ये चीज इक्वल हो, ये पढ़ा था, अगर वो कह रहा है उसका ट्रांसपोज करो तो वही आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हम यहाँ पे मान लो, मान लिया हमने 0 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ 5 6 4 5 6, यही तो है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो आ तो वही जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो वही है। इसलिए तो हमने क्या सीखा कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाएगा तो वही आ जाती है मैट्रिक्स। ठीक ना, यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल दिया गया है, और देखो, हाँ ये देखो, बीच में एक लाइन और दी गई, स्यू सिमेट्रिक एनी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव साइन होता है। स्यू सिमेट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास एक नेगेटिव आ जाती है पूरी, होता वही है कि उसके साइन जो होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, पर उसमें ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो मैट्रिक्स नेगेटिव हो जाती है। ठीक, अब हम देखें फिर ऐसे एग्जांपल आ गए हैं, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और मैट्रिक्स एक टॉपिक रह जाएगा, क्योंकि वो यूज नहीं है, एक क्रैमर रूल है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले सिंपल जो बेसिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कॉन्सेप्ट, वो रिवाइज करने के लिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन भी करेंगे। देखो,
लिखा है यूनिट टू एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर वन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 16 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 16, तो पहले 16 के फैक्टर कितने बन सकते हैं, 4 4 16 होगा, 8 2 16 होगा, 2 8 16 होगा, 16 1 16 होगा, और 1 × 16 इतने एलिमेंट बनेंगे, इसके अलावा कोई और तो बन नहीं रहा मेरे ख्याल से। ठीक, नाउ लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं वो बताओ। देखो 2 × 8 16, 8 × 1 गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ कितने एलिमेंट आए 8 और हमें कितने चाहिए 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन 8 2 16, 8 2 16, 4 4 16, 1 × 16 और 16 × 1, ये एक ऑप्शन सही है। फिर भी नेक्स्ट देख लो कहाँ गलती है, 4 × 1, ये देखो इसके तो 4 ही एलिमेंट हुए तो ये गलत हो गया, और देखो 4 2 8, तो हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन कौन सा सही है, बी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ऑर्डर का मल्टीप्लाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ गए। नेक्स्ट द ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, अब हम लोग देखो देखते हैं, बता रहा है ना तो करके देख लो, वो चीज ज्यादा याद रहती है। मान लो ये होगा 2 3 4 और ये होगा 5 6 7, ये बन गया रेक्टेंगुलर, बनी, इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या था, ये ऐसे लिख दोगे 2 3 4 और 5 6 7, तो क्या आ गई, सिंपली आ गई रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर से रेक्टेंगुलर ही बनी है, ठीक, स्क्वायर होती जिसमें एलिमेंट बराबर होते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज, ठीक, अब देखो कैसे की रो मैट्रिक्स क्या होगा 1 2 3, अगर वो कह ट्रांसपोज करो तो नॉर्मल वाइज 1 2 3, यही तो करोगे, तो हमारी रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक कॉलम होती है, आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे सिर्फ वही क्वेश्चन है इसमें भी, देखो नेक्स्ट टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी इफ बोथ आर रेक्टेंगुलर, बोथ हैव सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, सी सही है ना। अभी मैंने बताया था दो मैट्रिक्स तभी सेम ही हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर, मान लो जैसे कि 2 × 3 और 3 × 5, तो ये जो है ये सेम होगा, कॉलम और रो, पीछे का कॉलम और आगे की रो मल्टीप्लाई हो सकती। और एक चीज अगर तुम्हें पता करना हो कि जो मैट्रिक्स है कि उसका ऑर्डर क्या है, तो वो बनेगा ये 2 × 5, ये उसका ऑर्डर होगा, ध्यान रखना दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो जो बीच के नंबर हैं वो ये बताते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं, अगर वो बराबर हैं तो, और कौन सी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर बनेगा वो बाहर वाले दोनों बताते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर किसी डिटर्मिनेंट में इक्वल टू 0 होगा तो सिंगुलर होगा और नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज अ, अभी उसने बताया था अल्फाबेट में कि अगर हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स लॉट किया जाती है, क्योंकि जब सेम एलिमेंट है हम चाहे इधर से इधर लिखें चाहे उधर से उधर लिखें दोनों चीजें सेम है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एम इंटू पी एंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बी पी इंटू एन देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मल्टीप्लाई होंगे तो बीच के सेम होंगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा आगे जाके बाहर वाले क्या है m into n, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लेना, अगर none of these आंसर लिखा है या cnd लिखा है can not define, तो पहले चेक कर लेना कि मल्टीप्लाई में जो ऑर्डर दिया है वो बीच वाले जो हैं वो सेम हो, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ a एंड b आर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लिखा है a प्लस बी
और बी प्लस ए इज नॉट इक्वल टू, ये गलत है क्योंकि हमें बताया उसको इधर से जोड़ो चाहे उसको उधर जोड़ो, दोनों चीजें सेम होती हैं। ए से ट्रांसपोज का ट्रांसपोर्ट एक वही मैट्रिक्स ले आता है, अभी पढ़ा था अगर उल्टे को बार बार उल्टा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये सही है सही, क्योंकि ए को बी से और बी को बी को ए से मल्टीप्लाई करने पर सेम नहीं आता, समझ गए। नेक्स्ट तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, विच इज ट्रू, अगर वो कहता फॉल्स क्या है, दो ऑप्शन अलग थे, पूछ क्या रहा है पहले ध्यान से पढ़ लेना, वो ये भी पूछता है कभी कभी गलत कौन सा है, ठीक हमारा सही कौन सा है सी। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज ए इफ, ऑप्शन दे दिया गया ठीक। नेक्स्ट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हमने सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू जीरो ये पढ़ा था, ये लिखा है इक्वल टू जीरो पढ़ा था, उसमें क्या क्या दिए गए थे, टू थ्री फोर ए, टू थ्री फोर ए हमने क्या पढ़ा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, टू ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो टू ए इज इक्वल टू ट्वेल्व सिक्स, आंसर बी चेक कर लो यही है ठीक। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लिखा है ये जो आई लिखा है ना यही था आइडेंटिटी, अगर ध्यान हो तो चाहे देखो कैसे, देखो डिटर्मिनेंट फाइंड करना, ठीक है देखो डिटर्मिनेंट क्या क्या पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई तो टू आई इंटू आई और माइनस थ्री आई इंटू, देखो यहाँ पे माइनस लगाए क्योंकि देखो ये माइनस आई है, समझ में आया, हमने आगे लगा दिया वहां पे अब लग नहीं पाएगा इसलिए, इंटू टू आई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या हो गया माइनस टू आई स्क्वायर और माइनस थ्री आई स्क्वायर, ठीक ये देखो वन दिया गया है स्क्वायर, तो माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस सिक्स माइनस वन, टू प्लस आंसर एट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है 11 नंबर, इफ ए वन 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 टू टू वन टू टू, ध्यान देखो ये रो लिखा ये कॉलम लिखा, उन्होंने दे दिया ताकि थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लगे, लिखा नॉर्मली है वो ठीक, और ये लिखा है इनटू ए लिखा है, समझ में आया, लिखा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, पहले देखो उसने क्या बताया था बीच बीच का बराबर होगा, ठीक पहले देखो इसका क्या बनता है, रो कितनी है, मुंह से बोला करो रो कितनी है, रो कितनी है तीन, रो है जो लेटी हुई है कितनी है तीन, और कॉलम कितने हैं दो, यहाँ कितनी है रो और कॉलम कितने हैं थ्री। अब वो कह रहा है जो ये आया है ऑर्डर, आया तो इन्हीं दोनों से, इसका ऑर्डर पता करना है, देखो इसका ये जो ए लिखा है इसका ऑर्डर कह रहा बताओ, जबकि हमने इसका ऑर्डर क्या आ रहा है थ्री इंटू थ्री और इसका ऑर्डर क्या आ रहा है थ्री इंटू टू, हमने क्या पढ़ा था जो बीच वाला होगा वो सेम होगा यही पढ़ा था, तो नॉर्मल बात यहाँ तो टू आ गया और वो क्या कह रहा था ये जो बनेगा वो इन दोनों के बराबर होगा, होगा तो इनमें क्या बना है? बाद में थ्री, तो हमारा ऑर्डर क्या बन गया टू इंटू थ्री ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। उसमें ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आया है इसका जो ऑर्डर दे रखा है, आगे का मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, कह रहा है जो बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो निकलता तो आखिरी हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब बीच के इक्वल हो, लिख दिया हमने, और पीछे देखो जब बीच के इक्वल होगा तो ये आ गया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता किससे जो बाहर है दोनों के, जब थ्री इंटू थ्री है तो ये एक थ्री होगा तो ये एक थ्री तो होगा तभी थ्री इंटू थ्री आएगा, और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी क्या है कि बीच के बराबर होने चाहिए, समझ गए, मल्टीप्लाई होगा तो बीच के देखो और ऑर्डर क्या होगा वो कॉर्नर वाले बताएंगे, समझ गए। नेक्स्ट आंसर हमारा आ रहा है बी। अब देखो इसमें देखो एक दे दिया गया है क्वेश्चन, मतलब और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पूछे गए, पहले ए प्लस बी
सिंपली ए प्लस बी, टू प्लस थ्री यही हुआ, माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस टू आया, आया तो हमारा क्या आ रहा है, थ्री प्लस टू फोर टेन और ये माइनस टू। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन आ रहा है हमारा ए। ठीक, नेक्स्ट ए माइनस बी, ए माइनस बी देखो, देखो ए माइनस बी, टू से वन गया, वन आया, माइनस थ्री से माइनस फाइव, ये ऐसे लिखा जाएगा, आएगा। नेक्स्ट फोर से माइनस सिक्स और फाइव से माइनस सेवन, तो वन माइनस एट माइनस टू और ट्वेल्व, समझ गए, ऑप्शन देख लो, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो, थ्री ए माइनस सी, अब हमारे ऑप्शन तो उधर लिखे, रुको नोट कर लें, ए बोलना, टू फोर फाइव, थ्री ए हो गया, ठीक, माइनस सी बोलना, टू फाइव थ्री फोर, सिंपली चाहे थ्री का मल्टीप्लाई कर लो पहले, थ्री टी जो सिक्स नाइन ट्वेल्व और फिफ्टीन और माइनस टू फाइव थ्री फोर, सिंपली चाहे माइनस कर लो चाहे लिख के कर लो, ज़्यादा ठीक है, सिक्स माइनस टू माइनस नाइन माइनस फाइव ट्वेल्व माइनस थ्री और फिफ्टीन माइनस फोर, फोर फोर्टीन नाइन इलेवन, ऑप्शन सी, समझ गए। नेक्स्ट ए बी देखो, बी और एक बार बोल देना मुझे जरा, वन फाइव ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ठीक, ए बी पहले लिख लो, ए बी सिक्स ऊपर हुआ टू माइनस थ्री फोर और फाइव, और बी क्या हुआ, वन फाइव सिक्स माइनस सेवन, अब मल्टीप्लाई कर लो, टू इंटू वन प्लस माइनस थ्री इंटू सिक्स हुआ, नेक्स्ट टू इंटू फाइव प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन, नेक्स्ट फोर इंटू वन प्लस फाइव इंटू सिक्स, फोर इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू माइनस सेवन, टू माइनस एटीन, फोर प्लस थर्टी, टेन प्लस ट्वेंटी वन और ट्वेंटी माइनस थर्टी फाइव, आंसर क्या आ रहा है, माइनस सिक्सटीन थर्टी वन थर्टी फोर और माइनस फिफ्टीन, ऑप्शन देख रहे हो, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस हाँ गलती बहुत छोटी सी हो जाएगी, क्या एडिशन में मल्टीप्लाई, मुझे पता है ना होनी कहाँ पे है, इसलिए कह रहे एक रिक्वेस्ट है कि भैया लिख के कर लेना, पता है मैथ मुझे बहुत आती है तुमको भी बहुत आती है, इसलिए बोल रहे हैं उसको लिख के कर लेना, गलती ना करना, टाइम भी वेस्ट हो जाए, मेहनत भी खराब हो जाए और क्वेश्चन भी गलत कराओ, इसलिए आराम से लिख के एक बार में सही कर लो क्वेश्चन को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है, बी इंटू ए, सिंपली बी ए लिख लो, वन और ए टू माइनस थ्री फोर और फाइव, खुद भी करा करो साथ में, ये मल्टीप्लाई मुझे तो आता ही है, सीखना तुम लोगों को है, निकालो नोटबुक फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट करो मल्टीप्लाई, साथ में करते जाया करो, प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे। मैथ देखने से थोड़ो ना, इंग्लिश थोड़ो ना जो हम पढ़ रहे हैं। जल्दी से देखो फटाफट, देखो मैंने लिख रखा वहां पे बी और ए। सॉरी मैंने लिख रखा है, उससे देखो पहले, टाइम वेस्ट मत करो फालतू बुक को खोल के, मैंने लिख रखा ऑलरेडी वहां पे बी और ए लिख रखा है। मल्टीप्लाई करो फटाफट, मल्टीप्लाई ही सीखना, बाकी कुछ भी नहीं है पूरे मैथ्स में। हो सकता है कल हमारा नया चैप्टर चालू हो जाए। हुआ हो जाए बताना, फिर चेक करना है। नेक्स्ट करो तब तक, तुम हो गया देखो, चेक करवाते हैं, जिनका नहीं हुआ वो करे, पहले कर रहे हैं। वन इंटू टू प्लस फाइव इंटू फोर, वन इंटू माइनस थ्री प्लस फाइव इंटू फाइव, सिक्स इंटू टू प्लस माइनस सेवन इंटू फोर, सिक्स इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस सेवन इंटू फाइव। देखो मत, अपना करो फटाक से आंसर मैच करना। टू प्लस ट्वेंटी माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव, एट माइनस ट्वेल्व माइनस एट्टीन माइनस कहाँ पे ये चीज, ये 22 चलो चलो चलो, वही कह रहे ना, एक बार में दिखता नहीं है, समझ नहीं आ रहा। चलो रुको, सेवन फोर, ये सेवन है, ठीक ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन और माइनस फिफ्टी टू, ऑप्शन ए आ गया। साथ में करते जाना, अब बैठ के देखने से कुछ नहीं होना। 17 नंबर क्वेश्चन, देखो मल्टीप्लाई करना है इजीली, कर लेते हैं। ए का ए से मल्टीप्लाई प्लस माइनस बी का माइनस बी से मल्टीप्लाई, ए का बी से मल्टीप्लाई प्लस माइनस बी का ए से मल्टीप्लाई, बी का ए से मल्टीप्लाई प्लस ए का माइनस बी से मल्टीप्लाई, बी का बी से मल्टीप्लाई प्लस ए का ए से मल्टीप्लाई। हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी और माइनस ए बी जीरो, ए बी माइनस ए बी जीरो, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
आंसर बन गया हमारा ए, बन गया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो जीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन ए। देखो हुआ, नेक्स्ट देखो ऐड करना है, ध्यान से देखो, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये, फिर इसके साथ ये, और इसके साथ ये, तो हमारा आया क्या, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बाद में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर ध्यान रखो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन से ज्यादा ऑप्शन खतरनाक दे रखे हैं, जिसमें दोनों ही चीजें दे रखी हैं, पहले चेक कर लो। ए माइनस बी और बी प्लस सी गलत हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है ए माइनस बी बी माइनस सी ए प्लस सी और ए प्लस सी, यही है आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखो और इजी क्वेश्चन 19, सिंपल ऐड करना है, एल को पी से, एल माइनस पी, एम को क्यू से, एम प्लस क्यू, एन को आर से, एन प्लस आर, और ओ को एस से, ओ प्लस एस, ऑप्शन डी। समझ गए, एक काम करना, जैसे हमने डायरेक्ट ऑप्शन किए, इससे अच्छा तुम लोग लिख के कर लेना, और इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई, ये क्या मल्टीप्लाई हुआ, जैसे करते जाओगे ना तो जरूरत नहीं पड़ती, देखो कैसे, ए स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बना। नेक्स्ट देखो ए बी और माइनस ए बी, क्योंकि ये माइनस है, समझे। अब देखो ऐसे बनाओ, ये मल्टीप्लाई होगा, ए बी आएगा माइनस का, और फिर प्लस का ए बी, फिर देखो यहां से ये आए माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, यही आया आंसर, क्या आ गया, ये तो कट गए हमारे, तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मली ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन है हमारा ए, इसमें ऐसे ही लिख लिया मैंने, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो पहले चेक करते हैं कि हमारा ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं कि आंसर तो नन ऑफ दीज नहीं दिया गया, फिर भी चेक करते हैं ताकि हमको ध्यान रहे, जो हमने पढ़ा था वो याद रहे हमको। इसके कितने रो हैं, कितनी रो है इसमें, तीन रो, रो कितनी होती है, ये है रो, इतना ध्यान रखो ना, ये है रो, जितने एलिमेंट लिखे हैं ऐसे करके वो है रो, तीन रो हो गए, कितने कॉलम है, एक, ये कितनी रो है और कॉलम कितने हैं, चार, हुआ बराबर। और हमारा जो आएगा उसके कितने होंगे, उसकी तीन रो होंगी और चार कॉलम होंगे, देखो वही लिखे हैं आंसर में, थ्री इंटू फोर, बाहर वाला जो होता है हमारा ऑर्डर, थ्री इंटू फोर। अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, कैसे देखो, ऐसे करके चलते थे, वन इंटू थ्री, ठीक, फिर टू इंटू फोर, फिर फाइव इंटू फाइव, वन इंटू थ्री, टू इंटू फोर, फाइव इंटू फाइव, नहीं ये नहीं है ना,
देख देख ऐसे करना है, ये चीज है, फिर 1 into 4, फिर 1 into 5, फिर 1 into 6, एल ऐसे बन रहा है ये चीज। नेक्स्ट देखो 2 into 3, फिर 2 into 4, फिर 2 into 5, फिर 2 into 6, नेक्स्ट 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5 और 5 into 6। देख लो ऑप्शन किस पर, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, ऑप्शन ए। समझ गए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेवल मल्टीप्लाई का, ठीक। क्या करा है, क्योंकि एक कॉलम चल रहा है हमारा और 3 रो, और वहां पे 1 रो है 4 कॉलम है, इसलिए मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करना। देखो नेक्स्ट है, कितने इसमें टोटल क्वेश्चन है, 35। तो एक काम करते हैं, 13 क्वेश्चन कल हो जाएंगे, 13 क्वेश्चन और नया टॉपिक भी चालू हो जाएगा। एक काम करना, जो ये क्वेश्चन है खुद ट्राई करना पहले, तो ठीक आधे ज्यादा क्वेश्चन खुद हो जाएंगे, जो ना आए वो पूछ लेना, बाकी एक बार करा लेना, अगर जो आता जाए बोल देना मैम आ गया, तो हम उसको शॉर्टकट सिर्फ कराएंगे। 20, ये क्रैमर रूल, अभी ये पढ़ा नहीं है, अभी ये पढ़ाया ही नहीं है, इससे इक्वेशंस बनती हैं इसकी, ठीक। क्योंकि मैट्रिसेस सिर्फ सिंपल मैट्रिक्स नहीं होता, कभी कभी इक्वेशन से मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, तब आएगा ये रूल। ये रूल अभी पढ़ाया ही नहीं है, दो रूल नहीं पढ़े, एक एडजॉइंट और एक क्रैमर रूल, ठीक। तो कल हम लोग ये दो रूल कंप्लीट कर लेंगे और बची हुई सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। 13 क्वेश्चन है और नया टॉपिक हो सकता है स्टार्ट हो जाए कल, पहले खुद भी कर लेना, जो जो क्वेश्चन आ जाए खुद कर लेना, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, और कोई डाउट हो आज के क्वेश्चनों में वो भी देख लेना, ठीक। थैंक यू।